और राजधानी देहरादून के आरटीआई एक्टिविस्ट जयवर्धन ने आज एक और खुलासा करते हुए आरटीओ की नियुक्ति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि नियमों को ताक पर रखकर सुनील शर्मा का ट्रांसफर हुआ। पौड़ी से 25 नवंबर 2021 को आरटीओ देहरादून परिवर्तन के पद पर उनकी नियुक्ति की गई, लेकिन 25 अक्टूबर 2022 को सुनील शर्मा का ट्रांसफर एक वर्ष के अंदर ही आरटीओ परिवर्तन से देहरादून आरटीओ प्रशासन के पद पर कर दिया गया, जबकि आरटीओ अल्मोड़ा शैलेश तिवारी को देहरादून प्रशासन के पद पर उपयुक्त पाया गया था। गठित कमेटी ने शैलेश तिवारी के प्रशासन पद के लिए ही संतुष्टि की गई थी, लेकिन परिवहन सचिव और मंत्री परिवहन ने शैलेश तिवारी जिनको आरटीओ प्रशासन बनाना था उनकी आरटीओ प्रवर्तन पद पर नियुक्त कर दी थी। सुनील शर्मा के प्रशासन पद पर नियुक्त होने के बाद उनके नियम विरोध कार्य में होने वाले भ्रष्टाचार की शिकायत पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानांतरण के नियमों और नीति के विरुद्ध नियुक्त किए जाने पर मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की मांग की है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। इसीलिए जो है हमें, हम तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। जैसे कि उत्तराखंड जैसे बताया गया है कि भाई जीरो टॉलरेंस की सरकार है, तो हम जो अपना एक आम नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं कि इस प्रदेश के अंदर जो है हम जो चाहते हैं कि कोई भी अधिकारी हो भ्रष्टाचार से युक्त ना हो बल्कि मुक्त होना चाहिए। इससे हमारा ये कहने का कि हमारे द्वारा जो है एक आरटीआई डाली गई थी शासन में, जिसमें मुझे जो शासन से आरटीआई मिली उसमें साफ साफ है कि कहीं ना कहीं इस अधिकारी को लेके कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि नियमों की सारी अनदेखी की गई है। इनका जो है सुनील शर्मा का 2021 में पौड़ी से प्रशासन पौड़ी से जो इनका ट्रांसफर परिवर्तन में देहरादून हुआ था, उसके बाद 2 अक्टूबर 2022 को एक कमेटी, जब ट्रांसफर अधिकारी को है तो उसमें एक कमेटी गठित हुई जिसमें मुख्य सचिव जो है